हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार सावत आप सबको मेरे चैनल चक्षु दर्शन में स्वागत करता हूं। आज एक सुंदर और पवित्र दिन है। आज श्रावण महीने का चौथा सोमवार है और बहुत सुंदर दिन है आज। आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम निकले हुए हैं। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिए। आज कुछ नया जगह देखने के लिए मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा, दर्शन करने के लिए मिलेगा। चलिए आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर में। आज का दर्शन परिक्रमा भोग प्रसाद एक सुंदर दुर्लभ होने वाला है। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी हम पहुंच गए हैं। ओम श्री श्री माधवेश्वराय नमः। माधवेश्वर महादेव मंदिर के डूरा में स्थित है। बहुत सुंदर और प्राचीन मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ देखिए सुंदर भाव से नंदी महाराज विराजमान है। ये मंदिर का मध्य भाग है। यहाँ पर भी भगवान नंदी महाराज विराजमान है। दर्शन करिए, कितने सुंदर और दिव्य दर्शन है भगवान भोलेनाथ की। मैं ऊपर का मंदिर का मध्य भाग का ऊपर का थोड़ा दृश्य थोड़ा मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर भगवान माधवेश्वर की रूप से विराजमान है। बहुत सुंदर और प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर मनकामना घंटी है। मनकामना घंटी को बजा करके आप नंदी महाराज से गुहार लगा सकती हो। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं आज। बहुत सुंदर और दिव्य दर्शन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हमारा यहाँ का दर्शन भोग प्रसाद हो गया। अभी थोड़ा हम परिक्रमा करेंगे। देखिए ये परिक्रमा मार्ग, यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं। भगवान जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान कार्तिक सर महाराज विराजमान हैं। भगवान जी को नमन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे ये परिक्रमा मार्ग चतुर्पाश में बहुत सुंदर देव देवियों की मूर्तियाँ बनाई हुआ है और यहाँ पर माता रानी विराजमान इस मंदिर के अंदर। देखिए अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर एक फूल बनाया हुआ है। बहुत ये है माता रानी का मंदिर है। यहाँ पर माँ दुर्गा विराजमान है। माता रानी को नमन करिए। बहुत सुंदर दर्शन है। अभी हमारा यहाँ का दर्शन भोग प्रसाद परिक्रमा हो गया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए।
जो भी नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जुड़े हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को भी मौका मिले तो एक बार भगवान भोलेनाथ की जरूर अपनी संपूर्ण परिवार को लेकर के दर्शन कराइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।